हर जी कैसे हैं आप? सियार कटकटाते, भूत प्रेत और पिशाच खोपड़ियां बटोर रहे हैं अथवा खप्पर भर रहे हैं। वीर बेताल खोपड़ियों पर ताल दे रहे हैं और योगिनियां नाच रही हैं। श्री रघुवीर के प्रचंड बाण योद्धाओं के वक्ष स्थल भुजा और सिरों के टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं। उनके धड़ जहां तहां गिर पड़ते हैं, फिर उठते और लड़ते हैं और पकड़ो पकड़ो का भयंकर शब्द करते हैं। अतेड़ियों के एक छोर को पकड़कर गिद्ध उड़ते हैं और उन्हीं का दूसरा छोर हाथ से पकड़कर पिशाच दौड़ते हैं। ऐसा मालूम होता है मानो संग्राम रूपी नगर के निवासी बहुत से बालक पतंग उड़ा रहे हों। अनेकों योद्धा मारे और पछाड़े गए, बहुत से जिनके हृदय विदीर्ण हो गए हैं पड़े करा रहे हैं। अपनी सेना को व्याकुल देखकर तिश्रा और खर दूषण आदि योद्धा श्री राम जी की ओर मुड़े। अगणित राक्षस क्रोध करके बाण शक्ति तोमर फरसा सूल और कृपाण एक ही बार में श्री रघुवीर पर छोड़ने लगे। प्रभु ने पल भर में शत्रुओं के बाणों को काटकर ललकार कर उन पर अपने बाण छोड़े। सब राक्षस सेनापतियों के हृदय में दस दस बाण मारे। योद्धा पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं, फिर उठकर भिड़ते हैं, मरते नहीं, बहुत प्रकार की अतिशय माया रचते हैं। देवता यह देखकर डरते हैं कि प्रेत राक्षस 14,000 हैं और अयोध्या नाथ श्री राम जी अकेले हैं। देवता और मुनियों को भयभीत देखकर माया के स्वामी प्रभु ने एक बड़ा कौतुक किया, जिससे शत्रुओं की सेना एक दूसरे को राम रूप देखने लगी और आपस में ही युद्ध करके लड़ मरी। सब यही राम है, इसे मारो, इस प्रकार राम राम कहकर शरीर छोड़ते हैं और निर्वाण मोक्ष पद पाते हैं। कृपा निदान श्री राम जी ने यह उपाय करके क्षण भर में शत्रुओं को मार डाला। देवता हर्षित होकर फूल बरसाते हैं, आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। फिर वे सब स्तुति कर करके अनेकों विमानों पर सुशोभित हुए चले गए। जब श्री रघुनाथ जी ने युद्ध में शत्रुओं को जीत लिया तथा देवता मनुष्य और मुनि सबके भय नष्ट हो गए, तब लक्ष्मण जी सीता जी को ले आए। लचरणों में पड़ते हुए उनको प्रभु ने प्रसन्नता पूर्वक उठाकर हृदय से लगा लिया। सीता जी श्री राम जी के श्याम और कोमल शरीर को परम प्रेम के साथ देख रही है, नेत्र आघाते नहीं है। इस प्रकार पंचवटी में बसकर श्री रघुनाथ जी देवताओं और मुनियों को सुख देने वाले चरित्र करने लगे। खर दूषण का विध्वंस देखकर शूर्पणखा ने जाकर रावण को भड़काया। वह बड़ा क्रोध करके वचन बोली, तूने देश और खजाने की शुद्धि ही भुला दी। शराब पी लेता है और रात दिन रात पड़ा सोता रहता है। तुझे खबर नहीं है कि शत्रु तेरे सिर पर खड़ा है। नीति के बिना राज और धर्म के बिना धन प्राप्त करने से, भगवान को समर्पण किए बिना, उत्तम कर्म करने से और विवेक उत्पन्न किए बिना विद्या पढ़ने से परिणाम में श्रम ही हाथ लगता है। विषयों के संग से सन्यासी, बुरी सलाह से राजा, मान से ज्ञान, मद्रा पान से लज्जा, नम्रता के बिना प्रीति और मद अहंकार से गुणवान शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार नीति मैंने सुनी है। शत्रु रोग अग्नि पाप स्वामी और सर्प को छोटा करके नहीं समझना चाहिए। ऐसा कहकर शूर्पणखा अनेक प्रकार से विलाप करके रोने लगी। रावण की सभा के बीच वह व्याकुल होकर पड़ी हुई बहुत प्रकार से रो रो कर कह रही है कि अरे दशग्रीव,
तेरे जीते जी मेरी क्या ऐसी दशा होनी चाहिए। शूर्पनखा के वचन सुनते ही सभासद अकुला उठे। उन्होंने शूर्पनखा की बाह पकड़कर उसे उठाया और समझाया। लंकापति रावण ने कहा, अपनी बात तो बता, किसने तेरे नाक कान काट लिए। वह बोली, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र, जो पुरुषों में सिंह के समान है, वन में शिकार खेलने आए हैं। मुझे उनकी करनी ऐसी समझ पड़ी है कि वे पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर देंगे। जिनकी भुजाओं का बल पाकर हे दशमुख मुनि लोग वन में निर्भय होकर विचरने लगे हैं। वे देखने में तो बालक हैं, पर हैं काल के समान। वे परम धीर श्रेष्ठ धनुर्धर और अनेकों गुणों से युक्त हैं। दोनों भाइयों का बल और प्रताप अतुलनीय है। वे दुष्टों का वध करने में लगे हैं और देवता तथा मुनियों को सुख देने वाले हैं। वे शोभा के धाम हैं, राम ऐसा उनका नाम है। उनके साथ एक तरुणी सुंदर स्त्री है। विधाता ने उस स्त्री को ऐसी रूप की राशि बनाया है कि 100 करोड़ रति कांदेव की स्त्री उस पर निछावर है। उन्हीं के छोटे भाई ने मेरे नाक कान काट डाले। मैं तेरी बहन हूँ, यह सुनकर वे मेरी हंसी करने लगे। मेरी पुकार सुनकर खर दूषण सहायता करने आए, पर उन्होंने क्षण भर में सारी सेना को मार डाला। खर दूषण और त्रिशिरा का वध सुनकर रावण के सारे अंग जल उठे। उसने शूर्पनखा को समझाकर बहुत प्रकार से अपने बल का बखान किया, किंतु मन में वह अत्यंत चिंतावश होकर अपने महल में गया। उसे रात भर नींद नहीं पड़ी। वह मन ही मन विचार करने लगा, देवता मनुष्य असुर नाग और पक्षियों में कोई ऐसा नहीं जो मेरे सेवक को भी पा सके। खर दूषण तो मेरे ही समान बलवान थे, उन्हें भगवान के सिवा और कौन मार सकता है। देवताओं को आनंद देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने ही यही अवतार लिया है, तो मैं जाकर उनसे हठपूर्वक बैर करूंगा और प्रभु के बाण के आघात से प्राण छोड़कर भवसागर से तर जाऊंगा। इस तामस शरीर से भजन तो होगा नहीं, अतः मन वचन और कर्म से यही दृढ़ निश्चय है। और यदि वे मनुष्य रूप कोई राजकुमार होंगे तो उन दोनों को रण में जीत कर उनकी स्त्री को हर लूंगा। राक्षसों की भयानक सेना आ गई है। जानकी जी को लेकर तुम पर्वत की कंदरा में चले जाओ, सावधान रहना। प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर लक्ष्मण जी हाथ में धनुष बाण लिए श्री सीता जी सहित चले। लक्ष्मण जी जब कंदमूल फल लेने के लिए वन में गए, तब अकेले में कृपा और सुख के समूह श्री रामचंद्र जी हंस कर जानकी जी से बोले, हे प्रिय, हे सुंदर पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली सुशीले, सुनो, मैं अब कुछ मनोहर मनुष्य लीला करूँगा। इसीलिए जब तक मैं राक्षसों का नाश करूँ, तब तक तुम अग्नि में निवास करो। श्री राम जी ने जूं ही सब समझा कर कहा, त्यों ही श्री सीता जी प्रभु के चरणों को हृदय में धरकर अग्नि में समा गई। सीता जी ने अपनी ही छाया मूर्ति वहां रख दी, जो उनके जैसे ही शील स्वभाव और रूप वाली तथा वैसे ही विनम्र थी। भगवान ने जो कुछ लीला रची, इस रहस्य को लक्ष्मण जी ने भी नहीं जाना। स्वार्थ परायण और नीच रावण वहां गया जहां मारीच था और उसको सिर नवाया। नीच का झुकना नर्मता भी अत्यंत दुखदायी होता है, जैसे अंकुश धनुष सांप और बिल्ली का झुकना। हे भवानी, दुष्ट की मीठी बाणी भी उसी प्रकार भय देने वाली
होती है जैसे बिना ऋतु के फल फूल। मारीच प्रसंग और स्वर्ण मृग रूप में मारीच का मारा जाना सीता जी द्वारा लक्ष्मण को भेजा। तब मारीच ने उसकी पूजा करके आदर पूर्वक बात पूछी, हे तात, आपका मन किस कारण इतना अधिक व्यग्र है और आप अकेले आए हैं? भाग्यहीन रावण ने सारी कथा अभिमान सहित उसके सामने कही और फिर कहा, तुम छल करने वाले कपट मृग बनो, जिस उपाय से मैं उस राजबधू को हर लाऊं। तब उसने मारीच ने कहा, हे दशी सुनिए, वे मनुष्य रूप में चराचर के ईश्वर हैं, हे तात, उनसे वैर ना कीजिए, उन्हीं के मारने से मरना और उनके जिलाने से जीना होता है, सबका जीवन मरण उन्हीं के अधीन है। यही राजकुमार मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए गए थे, उस समय श्री रघुनाथ जी ने बिना फल का बाण मुझे मारा था, जिससे मैं क्षण भर में 100 योजन पर आ गिरा। उनसे बैर करने में भलाई नहीं है, मेरी दशा तो भृंगी के कीड़े की सी हो गई है। अब मैं जहाँ तहाँ श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को ही देखता हूँ, और हे तात, यदि वे मनुष्य हैं तो भी बड़े शूरवीर हैं, उनसे विरोध करने में पूरा ना पड़ेगा, सफलता नहीं मिलेगी। जिसने ताड़का और सुबाहु को मारकर शिवजी जी का धनुष तोड़ दिया और खरदूषण और त्रिशिरा का वध कर डाला, ऐसा प्रचंड बली भी कहीं मनुष्य हो सकता है? अतः अपने कुल की कुशल विचार कर आप घर लौट जाइए। यह सुनकर रावण जल उठा और उसने बहुत सी गालियां दी, दुर्वचन कहे, कहा, अरे मूर्ख, तो गुरु की तरह मुझे ज्ञान ना सिखाता है, बता तो संसार में मेरे समान योद्धा कौन है? तब मारीच ने हृदय में अनुमान किया कि शस्त्री शस्त्रधारी मर्मी भेद जानने वाला समर्थ स्वामी मूर्ख धनवान वैद भाट कवि और रसोईया इन 9 व्यक्तियों से विरोध बैर करने में कल्याण कुशल नहीं होता। जब मारीच ने दोनों प्रकार से अपना मरण देखा, तब उसने श्री रघुनाथ जी की शरण तकी, अर्थात उनकी शरण जाने में ही कल्याण समझा। सोचा कि उत्तर देते ही ना ही करते ही या अभागा मुझे मार डालेगा, फिर श्री रघुनाथ जी के बाण लगने से ही क्यों ना मरो। हृदय में ऐसा समझ कर वह रावण के साथ चला। श्री राम जी के चरणों में उसका अखंड प्रेम है। उसके मन में इस बात का अत्यंत हर्ष है कि आज मैं अपने परम स्नेही श्री राम जी को देखूंगा, किंतु उसने यह हर्ष रावण को नहीं जगाया। वह मन ही मन सोचने लगा, अपने परम प्रीतम को देखकर नेत्रों को सफल करके सुख पाऊंगा। जानकी जी सहित और छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत कृपा निधान श्री राम जी के चरणों में मन लगाऊंगा, जिनका क्रोध भी मोक्ष देने वाला है और जिनकी भक्ति उन अवश किसी के वश में ना होने वाले स्वतंत्र भगवान को भी वश में करने वाली है। अब वे ही आनंद के समुद्र श्री हरि अपने हाथों से बाण संधान कर मेरा वध करेंगे। धनुष बाण धारण किए मेरे पीछे पीछे पृथ्वी पर पकड़ने के लिए दौड़ते हुए प्रभु को मैं फिर कर देखूंगा। मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। जब रावण उस वन के जिस वन में श्री रघुनाथ जी रहते थे निकट पहुंचा, तब मारीच कपट मृग बन गया। वह अत्यंत ही विचित्र था, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। सोने का शरीर मणियों से जड़कर बनाया था,
सीता जी ने उस परम सुंदर हिरण को देखा, जिसके अंग अंग की छटा अत्यंत मनोहर थी। वे कहने लगी, हे देव, हे कृपालु रघुवीर, सुनिए, इस मृग की छाल बहुत ही सुंदर है। जानकी जी ने कहा, हे सत्य प्रतज्ञ प्रभो, इसको मारकर इसका चमड़ा ला दीजिए। तब श्री रघुनाथ जी मारीच के कपट मृग बनने का सब कारण जानते हुए भी देवताओं का कार्य बनाने के लिए हर्षित होकर उठे। तुम बुद्धि और विवेक के द्वारा बल और समय का विचार करके सीता जी की रखवाली करना। प्रभु को देख कर मृग भाग चला। श्री रामचंद्र जी भी धनुष चढ़ाकर उसके पीछे दौड़े। वेद जिनके विषय में नीति नीति कहकर रह जाते और शिवजी जी भी जिन्हें ध्यान में नहीं पाते, अर्थात जो मन और वाणी से नितांत परे, वे ही श्री राम जी माया से बने हुए मृग के पीछे दौड़ रहे हैं। वह कभी निकट आ जाता है और फिर दूर भाग जाता है। कभी तो प्रकट हो जाता है और कभी छिप जाता है। इस प्रकार प्रकट होता और छिपता हुआ तथा बहुतेरे छल करता हुआ वह प्रभु को दूर ले गया। तब श्री रामचंद्र जी ने तक कर निशाना साधकर कठोर बाण मारा, जिसके लगते ही वह घोर शब्द करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। पहले लक्ष्मण का नाम लेकर उसने पीछे मन में श्री राम जी का स्मरण किया। प्राण त्याग करते समय उसने अपना राक्षसी शरीर प्रकट किया और प्रेम सहित श्री राम जी का स्मरण किया। सुजान सर्वक श्री राम जी ने उसके हृदय के प्रेम को पहचान कर उसे भगति अपना परम पद दी, जो मुनियों को भी दुर्लभ है। देवता बहुत से फूल बरसा रहे और प्रभु के गुणों की गाथाएं स्तुतियां गा रहे कि श्री रघुनाथ जी ऐसे दीन बंधु हैं कि उन्होंने असुर को भी अपना परम पद दे दिया। दुष्ट मारीच को मारकर श्री रघुवीर तुरंत लौट पड़े। हाथ में धनुष और कमर में तरकस शोभा दे रहा है। इधर जब सीता जी ने दुख भरी बाणी मरते समय मारीच की हा लक्ष्मण की आवाज सुनी तो वे बहुत ही भयभीत होकर लक्ष्मण जी से कहने लगे, तुम शीघ्र जाओ, तुम्हारे भाई बड़े संकट में हैं। लक्ष्मण जी ने हंस कर कहा, हे माता सुनो, जिनके प्रकृति विलास भावों के इशारे मात्र से सारी सृष्टि का लय प्रलय हो जाता है, वे श्री राम जी क्या कभी स्वप्न में भी संकट में पड़ सकते हैं? इस पर जब सीता जी कुछ मर्म वचन हृदय में चुभने वाले वचन कहने लगी, तब भगवान की प्रेरणा से लक्ष्मण जी का मन भी चंचल हो उठा। वे श्री सीता जी को वन और दिशाओं के देवताओं को सौंप कर वहां चले, जहां रावण रूपी चंद्रमा के लिए राहु रूप श्री राम जी थे। रावण सूना मौका देकर यति सन्यासी के भेष में श्री सीता जी के समीप आया, जिसके डर से देवता और दैत्य तक इतना डरते हैं कि रात को नींद नहीं आती और दिन में भरपेट अन्न नहीं खाते। वही दस सिर वाला रावण कुत्ते की तरह इधर उधर ताकता हुआ भड़ियाई चोरी के लिए चला। काकभुसुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, इस प्रकार कुमार्ग पर पैर रखते ही शरीर में तेज तथा बुद्धि एवं बल का लेश भी नहीं रह जाता। सूना पाकर कुत्ता चुपके से बर्तन भांडों में मुंह डालकर कुछ चुरा ले जाता है, उसे भड़ियाई कहते हैं। रावण ने अनेकों प्रकार की सुहावनी कथाएं रचकर सीता जी को राजनीति भय और प्रेम दिखलाया। सीता जी ने कहा, हे यति गोसाई सुनो, तुमने तो दुष्ट की तरह वचन कहे,
तब रावण ने अपना असली रूप दिखलाया और जब नाम सुनाया तब तो सीता जी भयभीत हो गई। उन्होंने कहा, धीरज धर कर कहा, अरे दुष्ट खड़ा तो रहे, प्रभु आ गए। जैसे सिंह की स्त्री को तुच्छ खरगोश चाहे वैसे ही हरे, राक्षस राज तू मेरी चाह करके काल के वश हुआ है। ये वचन सुनते ही रावण को क्रोध आ गया, परंतु मन में उसने सीता जी के चरणों की वंदना करके सुख माना। फिर क्रोध में भरकर रावण ने सीता जी को रथ पर बैठा लिया और वह बड़ी उतावली के साथ आकाश मार्ग से चला, किंतु डर के मारे उससे रथ हाँका नहीं जाता। ओम श्री रामचंद्र भगवान की जय। कैसे हैं आप? सियार कटकटाते, भूत प्रेत और पिशाच खोपड़ियां बटोर रहे हैं अथवा खप्पर भर रहे हैं। वीर बेताल